Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. मुख्तार अंसारी पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करने में जिन जिन मुकदमों को आधार बनाया गया उनमें से एक सरकारी ज़मीन पर कब्जे का है। खास बात यह है कि न सिर्फ उसने सरकारी ज़मीन पर कब्जा किया बल्कि उसी पर अलीशान गोदाम बनवाकर सरकार से सालाना 1.5 करोड़ किराया भी वसूला। मामला संज्ञान में आने के बाद पिछले साल मऊ जिला प्रशासन ने 1 करोड़ रुपये के इस गोदाम को सीज करते हुए मुख्तार अंसारी की पत्नी सालों समेत 5 के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई थी। मामला मऊ जनपद के रैनी गांव का है। करीब 10 साल पहले मुख्तार ने गुंडई के बल पर औने पौने दाम में भूमिहार यादव अनुसूचित जाति के लोगों से करीब 15 बीघा जमीन खरीदी। जमीन उसने अपनी पत्नी अफनसा अंसारी, बिजनेस पार्टनर सरजिल रजा उर्फ अतीक अनवर शहजाद, मेसर्स विकास कंस्ट्रक्शंस के नाम ली गई, जिसके बाद जमीनों के अगल बगल स्थित ग्राम सभा की कई बीघा जमीन पर भी कब्जा कर लिया गया। 2 साल में यहाँ आलिशान गोदाम बनकर खड़ा भी हो गया। इसके बाद फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि FCI को यह गोदाम 1.5 करोड़ सालाना किराए पर दे दिया गया। 7 साल तक किराए के रूप में इस गोदाम के माध्यम से 10 करोड़ से ज़्यादा रुपए वसूले गए। पिछले महीने ही गोदाम का कुछ हिस्सा सीज कर उसे पुलिस ने कुर्क किया था। सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा कर गोदाम बनवाने के मामले में मऊ के दक्षिण टोला थाने में विकास कंस्ट्रक्शन के नाम से कई मामले दर्ज किया गया था। सूत्रों का कहना है कि जिस विकास कंस्ट्रक्शंस के नाम से सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर गोदाम बनवाया गया वह मुख्तार की शैल कंपनी है। इसमें पर्दे के पीछे से उसका ही पैसा लगा हुआ था। कागजों में जिसका मालिक मुख्तार का बिजनेस पार्टनर आतिफ था। सूत्रों का यह भी कहना है कि AD को मुख्तार की ऐसी कई और शैल कंपनियों के बारे में जानकारी मिली है जिनके जरिए वह अपनी ब्लैक मनी को वाइट भी करता था। बात करें तो मुख्तार अंसारी पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करने में आधार बनाया गया। दूसरा मुकदमा विधायक निधि के दुरुपयोग का है। इसी साल मऊ के सालखनसी थाना में इस मामले में मुख्तार समेत 5 लोगों को नामजद दर्ज कराया गया था। आरोप है कि सर्वगांव स्थित 3000 गज जमीन पर पूरी जगदीश दक्षहंस बैजनाथ पहलवान उच्च माध्यमिक विद्यालय के नाम पर विधायक निधि से 25 लाख रुपये निकाले गए थे लेकिन स्कूल बना ही नहीं। जिस जमीन पर स्कूल बनवाने संबंधी प्रस्ताव के तहत विधायक निधि से धन की निकासी की गई उसके एक हिस्से पर महज चहरदीवारी जबकि दूसरे हिस्से पर केले की खेती हो रही थी। शिकायत मिलने पर CO ने मामले की जाँच की और उनकी रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन इंस्पेक्टर की ओर से मुख्तार उसके सहयोगी ग्राम प्रधान बैजनाथ यादव समेत 5 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। इस मुकदमे में मुख्तार को आपराधिक षड्यंत्र का आरोपी भी बनाया गया। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।